मैं हूं सौमेंद्र और आज मैं दिखाना चाहूँगा कि आपका जो HTML फाइल है और HTML फाइल से कैसे अब PDF बनाए। PDF बनाने के पहले पहले मैं यहाँ पे देखिए एक वेरिएबल डिक्लेयर कर बेस फाइल पाथ, जहाँ पे मैंने एक HTML फाइल पाथ मैंने सेव किया है वेब कॉन्फिग फाइल से। उसके बाद मैंने क्या क्या इस लाइन पे मैंने एक फोल्डर एक्ट किया। एक्चुअली बेस फाइल पाथ के अंदर मेरा एक फोल्डर क्रिएट होगा जिस फोल्डर का नाम है रिपोर्ट बोल के। उसके बाद मैंने इस दो लाइन पे मैंने चेक किया है कि इस जो बेस फाइल पाथ हैं उसके साथ रिपोर्ट कॉन्कैटिनेट होने के बाद जो फाइल पाथ आया है वो डायरेक्टरी एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर वो डायरेक्टरी एग्जिस्ट नहीं हो रहा है नहीं है तो वो डायरेक्टरी क्रिएट होगा। उसके बाद मैंने एक डेटा टेबल लिया है, क्योंकि मैंने जो यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है वो स्टैटिक डेटा से किया है, क्योंकि मेरा डेटाबेस से कनेक्ट नहीं है, इसीलिए मैंने एक डेटा एक फंक्शन किया है जहाँ पे मैंने एक डेटा टेबल ऐड किया है। देखिए डेटा टेबल मैंने जाने के लिए गो टू डेफिनेशन में जाऊँगा। यहाँ पे देखिए मेरा पूरा डेटा टेबल है, डेटा टेबल का नाम है मेटेरियल। मैंने पूरा डेटा टेबल डेटा कॉलम लिया है, फर्स्ट कॉलम है क्लाइंट नेम, सेकंड कॉलम है क्लाइंट CW नंबर, थर्ड कॉलम है मटेरियल नेम और फोर्थ कॉलम है मटेरियल ID, फिफ्थ कॉलम है आपका सप्लायर, सिक्स कॉलम है कंट्री नेम और सेवन्थ कॉलम है लैंग्वेज नेम। उसके बाद मैंने एक कॉलम लिया है ओल्ड डॉक्यूमेंट नंबर, लेटेस्ट डॉक्यूमेंट नंबर। ये इस तक मैंने जो लिया है ये डेटा कॉलम है। उसके बाद मैंने एक डेटा सेट डिक्लेयर किया है, उसका ऑब्जेक्ट भी किया है। उसके बाद डेटा सेट के अंदर मैंने जो डेटा टेबल है उसको इम्प्लीमेंट किया है। उसके बाद मैंने कुछ स्टैटिक डेटा यहाँ पे इनपुट किया है, ये एक पर्टिकुलर रो के लिए है। ठीक है, मैंने यहाँ पे बहुत सारा डेटा ऐड किया है। ओके नाउ यहाँ पे जो मेरा डेटा आया है, मान लीजिए वहाँ पे मेरा 7 डेटा था, तो पहले मैंने चेक किया है कि मटेरियल जो DT है इस DT के अंदर कोई वैल्यू है कि नहीं है। अगर DT के अंदर वैल्यू है, मतलब इस DT के अंदर वैल्यू मेरा ग्रेटर देन 0 होगा, तभी मेरा HTML फाइल से PDF तैयार होगा। तो PDF तैयार करने के लिए पहले क्या किया, पहले मटेरियल फॉर इच लूप मैंने यूज़ किया है एक एक डेटा के लिए। उसके बाद मैंने एक वेरिएबल लिया है HTML बोल के। उसके बाद मैंने जो फुल पाथ है इस वेरिएबल लिया है, उसमें मैंने string.empty सेट किया है। उसके बाद मैंने एक HTML पैटर्न बनाया कि कैसे आपका जो HTML तैयार होगा, उसके बाद HTML से PDF बनेगा। राइट, इस यहाँ पे जो मैंने DT row.CW नंबर ये मैंने जो डेटा टेबल लिया है उसका वैल्यू होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो वैल्यू है चेक कीजिए। देखिए यहाँ पे बहुत सारा डेटा दिखाई दे रहा है, CW नंबर और मटेरियल नेम, कंट्री नेम, लैंग्वेज नेम, जो मैंने पहले डेटा टेबल के अंदर स्टैटिक दिया हुआ है। ठीक, सब कुछ मैंने यहाँ पे HTML का जो फाइल है HTML फाइल तैयार होगा और आप आपका तरफ से HTML फाइल बनाएंगे। उस यहाँ तक मेरा HTML फाइल हो गया। उसके बाद मैंने PDF से HTML से PDF कैसे बनाएं, देखिए यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया है जो डॉक्यूमेंट टाइप का वेरिएबल है PDF डॉक। यहाँ पे मैंने पेज साइज सिलेक्ट किया है, A4 साइज का पेज है और यहाँ पे जो है वो डायमेंशन है। ठीक है, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट, मार्जिन अपर, मार्जिन ये कुछ है। उसके बाद मैंने एक HTML पर्सर का एक वेरिएबल लिया है जो HTML वर्कर का क्लास से इम्प्लीमेंट होता है। उसके अंदर मैंने जो वेरिएबल पहले डिक्लेयर किया है PDF डॉक, उसको इनिशलाइज किया। उसके बाद मैंने एक कोड अप्लाई किया है क्योंकि PDF से HTML से PDF में कन्वर्ट करने के लिए। देखिए यहाँ पे पहले मेरा क्या किया, जो HTML वैल्यू आया है मेमोरी स्ट्रीम से, जो HTML वैल्यू आया है उसको मैंने पहले बाइट में कन्वर्ट किया है, उस बाइट को मैंने
राइट किया है फाइल डॉट राइट और बाइट्स फंक्शन यूज़ करके इसमें इंप्लीमेंट किया है बाइट को। और यहाँ पे जो मैंने जो पाथ दिया है कहाँ पे मेरा फाइल सेव होगा, ये मेरा डायरेक्टरी का नाम है, उसके अंदर जो फाइल होगा फाइल का नाम है, डेटा टेबल में जो क्लाइंट नेम है क्लाइंट नाम के अंदर ही एक फाइल तैयार होगा उसके साथ डॉट पी डी एफ बन के। ओके नाउ आप मेरा चेक कीजिए मेरा जो फाइल बना हुआ है वो कहाँ पे सेव हुआ है। पे मेरा एक रिपोर्ट बोल के फोल्डर है और फोल्डर के अंदर देखिए पीडीएफ फाइल बना हुआ है, एक पीडीएफ है, दो पीडीएफ है, तीन है, चार पीडीएफ है, पांच पीडीएफ है, छह पीडीएफ है। ओके थैंक यू।